सदगुरु कबीर की एक बहुत सरल सी साखी है। बीजक साखी प्रकरण में जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना तो पानी मांगि न पियो। साहब कहते हैं कि तुम दुनिया में जन्म लेकर के आए हो तो क्या तुम जीवन जीने की कला जानते हो? जीवन जीने की कला सबसे बढ़िया कला है, और यह कला किसी किसी के पास होती है। जीवन तो सभी जी रहे हैं, वैसे तो जीवन तो पशु पक्षी भी जीते हैं, और जीवन आदमी भी जीता है। पशु पक्षियों में और आदमियों में अंतर क्या है? पशु पक्षियों में समझ नहीं है, बुद्धि का मन का विकास नहीं है, वे उन्नति का आगे बढ़ने का काम नहीं कर सकते, किंतु पशु पक्षियों में आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं है, बैर विरोध गाली गलौज मार पीट लड़ाई झगड़ा पशु पक्षियों में नहीं है। पशु पक्षियों को किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, उनको किसी बात को लेकर कोई टेंशन नहीं होता। और आदमियों को देखो, बुद्धि है, समझ है, सत्संग भी करता है आदमी, पूजा पाठ भी करता है, भक्ति सेवा भी करता है, अब बहुत कुछ करता है, लेकिन कितना लड़ाई झगड़ा मार पीट कला कल्पना गाली गलौज और पता नहीं क्या क्या, भीतर से कितना दुखी है मनुष्य, कितना चिंता से परेशान है, तनाव टेंशन से परेशान है। मनुष्य को दुनिया का सिरमौर प्राणी कहा गया है, और ये कहा गया है कि अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल जब उदित होता है तब मनुष्य का जीवन मिलता है। तो इस अर्थ में हर मनुष्य बहुत सौभाग्यशाली है, लेकिन उस सौभाग्य को जीवन भर बनाए रखना यह खास समझदारी होगी। जानवरों को मैंने कहा कि कोई चिंता नहीं होती, जानवरों को कोई टेंशन तनाव नहीं होता, ईर्ष्या द्वेष नहीं करते जानवर, इसलिए जानवरों को हार्ट अटैक नहीं होता, जानवरों को डायबिटीज शुगर की बीमारी नहीं होती, बीपी की बीमारी नहीं होती, जानवरों को कोई कैंसर नहीं होता, और आदमी को सारी दुनिया भर की बीमारी आदमी के पास है। और जितना दुखी आदमी है उतना तो कोई जानवर नहीं है। मन से जितने जानवर हैं उन सब के मन का दुख एक तरफ कर दो, और अकेले आदमी के मन का दुख एक तरफ कर दो, तो हो सकता है अकेले आदमी का
मन का जो दुख है दुनिया भर के जानवर के मन के दुख से ज़्यादा हो जाए। गलत समझ, समझ है आदमी के पास लेकिन समझ गलत है, सोचने का विचारने का तरीका गलत है, इसीलिए आदमी मन से ज़्यादा दुखी है। शरीर में बीमारी है वो तो है ही, मन की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी, और मन की बीमारी से कोई कोई बचा है, और मन की बीमारी से बचने के लिए पैसा काम नहीं आएगा, पैसे वाला भी मन से बीमार है, बड़े बड़े विद्वान भी मन से बीमार है, बड़े बड़े अफसर मन से बीमार है, बड़े बड़े नेता और मंत्री भी मन से बीमार है, साधारण लोग तो मन से बीमार है ही। जीवन जीने की कला क्या है, ये मन की बीमारी खत्म हो। शरीर भले बीमार हो लेकिन मन बीमार नहीं होना चाहिए। जीवन को इसीलिए सुंदर ढंग से जीने की आवश्यकता है, इसीलिए भक्ति सेवा सत्संग की आवश्यकता होती है। लोग समझते हैं, पूछते हैं, महाराज भक्ति सेवा सत्संग करेंगे तो क्या मिलेगा? मन की बीमारी से छुटकारा मिलेगा। किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर सबसे पहले पूछेगा तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, तो डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब तो सब ठीक है, मेरा मन बीमार है कोई दवा दे दो, तो डॉक्टर कौन दवा देगा? शरीर में दर्द है, फोड़ा है, फुंसी है, बुखार है, या कोई और डायबिटीज है, शुगर है, हार्ट अटैक है, तो उसकी दवा तो दे देगा। लेकिन किसी डॉक्टर से कहो कि मेरा मन बीमार है, मेरा मन रात दिन बहुत दुखी रहता है, कोई दवा दे दो मन का दुख खत्म, कौन दवा देगा? डॉक्टर बेचारा खुद ही मन के दुख से दुखी है वो तो। शरीर में दर्द है, भयंकर दर्द है, डॉक्टर एक टेबलेट दे देगा, खा लोगे, एक इंजेक्शन लगा लोगे, लगा दे डॉक्टर, और शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई टेबलेट नहीं बना है और ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना है, एक इंजेक्शन लगाओ और मन का दुख खत्म हो जाए। ये मन के दुख को खत्म करने के लिए ही भक्ति सेवा सत्संग की आवश्यकता होती है, और यही जीवन जीने का सुंदर तरीका है कि मन में कोई दुख ना होना। और कोई भी आदमी कर सकता है ऐसा, स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं, घर में रहते हुए कर सकता है आदमी, बस अपनी समझ को सही करना है। जैसे हम अपना कपड़ा बढ़िया बनाना चाहते हैं, अरे इधर आकर बैठ लो बाहर सामने, घर द्वार बढ़िया बनाना चाहते हैं, दुकान बढ़िया बनाना चाहते हैं, खाना पीना बढ़िया बनाना चाहते हैं, यहाँ तक आदमी नहा होकर चेहरे पर पाउडर और क्या क्या लगा कर चेहरा बढ़िया बनाना चाहते हैं, मन बढ़िया है या नहीं है, समझ बढ़िया है या नहीं है? यदि समझ और मन बढ़िया नहीं है तो चेहरे की सुंदरता काम नहीं आएगी, घर द्वार सुंदरता काम नहीं आएगी, वहाँ भी दुखी रहोगे। कहते हैं कि स्वामी रामतीर्थ जब एक बार अमेरिका गए थे
वो तो फकल मस्त संत, और उनसे मिलने के लिए बहुत से लोग आए थे। तो एक फिल्म की अभिनेत्री जिसे हीरोइन कहते हैं वो आई, एकदम हंसती हुई आई और खूब गहने से, हीरे मोती के गहनों से लदी हुई आई। सब लोग बैठे बात कर रहे थे, सब लोग जब चले गए तो अभिनेत्री स्वामी रामतीर्थ के पास गई और रोने लगी, महाराज मेरे जैसा दुखी कोई नहीं होगा। कहा कि तुम अभी हंसते हुए आई हो, इतने हीरे मोती के कितने गहने से लदी हुई हो, और तुम कहती हो मेरे समान दुखी कोई नहीं है। कहा महाराज हंसना तो मेरा पैसा है, इसी से मुझे पैसा मिलता है, पैसा है तो गहने बना ली हूँ, लेकिन मेरा मन इतना दुखी है कि मैं जानती हूँ ये मन का दुख खत्म होना चाहिए। और मन के दुख के पीछे केवल कारण है नासमझी, चिंता में आदमी परेशान। इस चिंता का खत्म हो जाना ये जीवन जीने की कला। खाली पूजा कर लोगे, किसी की मूर्ति है, किसी का चित्र है, उसे अगरबत्ती दिखला दिए, धूप दीप दिखला दिए, कुल फूल चढ़ा दिए, इतने से कुछ नहीं होने वाला है। और आदमी समझता है हम मंदिर जा कर के प्रसाद चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, आरती कर ली, अगरबत्ती चढ़ा लिए, गुरु का चित्र ही है, कबीर साहब का चित्र है, आरती कर लिए लिए अगर अगरबत्ती ला दिए, सोचो मन का दुख दूर हो जाएगा, धोखा है। समझदारी चाहिए, अच्छे विचार, एक काम करो अच्छी बात सोचना, अच्छे विचारों में मन को लगा कर रखना हर समय हर समय। जिसके मन में बराबर अच्छे विचार चलते रहते हैं, जिसके मन में कोई गलत विचार गलत बात नहीं आते, वो आदमी हर समय पूजा कर, हर समय पूजा कर रहा, खेत जा रहा है तो पूजा कर रहा है, खेत में काम कर रहा है तो पूजा कर रहा है, नहा रहा है तो पूजा कर रहा है, महिलाएं भोजन बना रही तो पूजा कर रही है, यदि मन में अच्छे विचार है तो। और अच्छे विचार है तो मन में कोई दुख नहीं होगा, मन में कोई बीमारी नहीं होगी। बहुत सरल है, एक पैसा नहीं लगेगा मन की बीमारी को दूर करने के लिए। और यदि समझ सही नहीं है तो लाखों रुपया खर्च कर लो, मन की बीमारी दूर नहीं होने वाली है। यहाँ तो साहब कहते हैं कि जो जानो जग जीवना, तुम दुनिया में जीने की कला जानते हो। जीने की कला क्या है ये समझना होगा। जीवन तो हर आदमी जी रहा है, साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष बूढ़े बालक जवान सब जीवन जी रहे हैं। किसी व्यक्ति से पूछो कि इतना जीवन तुमने जिया है, कोई 20 साल 25 साल 50 साल कम ज़्यादा जो भी हो, अपने जीवन को तुमने सही ढंग से जिया है या गलत जिया है, तो हर आदमी यही कहेगा कि अपने जीवन को मैं सही ढंग से जी रहा हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया जीवन जीता हूँ। अब ये पूछो उससे कि तुम जीवन को बढ़िया जी रहे हो, इसकी कसौटी क्या है, पहचान क्या है इसकी। यदि वो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे मन में कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई पीड़ा नहीं, तो समझ लो हाँ सचमुच में जीवन को वो बढ़िया ढंग से जी रहा है। मौत तो हर आदमी के जीवन में आना है, कोई बचा नहीं है मौत से, आज नहीं तो कल आएगी मौत,
कल्पना करो यदि अभी मौत हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाए, कल्पना है, मौत कोई ऐसे आदमी तो नहीं है जो कि खड़ी होती हो, लेकिन मान लो, एक कल्पना कर लो, मौत सामने आकर के खड़ी हो जाए और कहे चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, और मौत की इस बात को सुनकर हमारे मन में भय नहीं हुआ, घबराया नहीं मन, व्याकुल नहीं हुआ, अच्छा तू आ गई है, मैं तैयार हूँ, चलो, तो समझना जीवन को बढ़िया ढंग से जिए हो, ये कसौटी है। और मौत सामने आकर खड़ी हुई और कहे चलो तुम्हें लेने के लिए आए हो, मेरे साथ चलो, और इतना सुन करके हम रोने लग गए, व्याकुल हो गए, तो समझना जीवन को गलत ढंग से जी रहे हो, गड़बड़ी है कहीं जीने में। अब समझ, हर आदमी अपना अपना मन समझ सकता है, यहाँ तक होता है कि बीमार आदमी खाट पर पड़ा है, करा रहा है, वो भी मौत से डरता हुआ सोता है अभी दो चार दिन और जी ले लिया, जी करके क्या करोगे, खटिया पर पड़े लेटे हुए हो, उठ बैठ नहीं पा रहे हो, जी करके और क्या करोगे, भोग रहे हो नरक। लेकिन जीने की तृष्णा हर आदमी के मन में होती है, और जो जीवन को बढ़िया ढंग से जिएगा ना, उसके मन में तृष्णा नहीं होगी, जितना जीना था ठीक है, आगे जब जीवन रहेगा तो और जी लेंगे, लेकिन अभी समय मौत आ गई तो तैयार रहो। जैसे कहीं यात्रा में चलते हो और यात्रा में जाने के पहले तैयारी कर लेते हो, कितना कपड़ा ले जाना है, कितने दिन की यात्रा है, कितना कपड़ा ले जाएं, कितने जोड़ी कपड़ा ले जाएं, कितने रुपया पैसा ले जाएं, खाने पीने के लिए क्या सामान ले, बड़ी व्यवस्था करते हो, और जब जिस दिन जाना हो तो उस दिन अपना झोला थैला अटैची जो भी लेकर के जाते हो स्टेशन पर, थोड़ा पहले पहुंच जाते हो कि गाड़ी छूट ना जाए, और जैसे ही वहां घोषणा हुई कि ये गाड़ी अमुक प्लेटफार्म पर आने वाली है, यात्री अपना अपना सामान लेकर के तैयार, गाड़ी आई, सब लोग बस एक साथ बैठना चाहते, कोई कहता फिर से अच्छा चलो आप पहले बैठ लो मैं बाद में बैठूंगा, आदमी सोचता कि मैं ही पहले ऊपर जाऊं ताकि मुझे बढ़िया सीट मिले, धक्का मुक्की कर लेता है आदमी ताकि सबसे पहले मैं बैठूं। ऐसे ही मौत की गाड़ी में सबसे पहले बैठने का नंबर लगा होता समझना जीवन बढ़िया जी रहे हैं, बहुत मुश्किल है ना। नहीं भैया कहे तुम चलो मैं तो पीछे आ जाऊंगा, क्यों पीछे आकर के क्या करूँ, पहले से बैठो ना भाई ताकि सीट बढ़िया मिले, और फिर सोए सोए जाओ। लेकिन जाना तो सोए सोए है, पता नहीं चलेगा कि सोए सोए जा रहा हूं, जो लोग कंधे में उठाए रहेंगे उनको भले पता लगेगा, और कंधे में उठा करके ले जा रहे हैं, और जो व्यक्ति सोया हुआ है कहीं बैठ जाए तब पटक कर भागेंगे लोग, है ना, ये तो भूत बन गया। तो बात यह है, मौत सामने आए और कोई भय मन में ना हो तो समझना जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं, उस पर तैयारी करो। जैसे यात्रा में जाते हैं तो हम तैयारी कर लेते हैं ना, रुपया पैसा कपड़ा लत्ता खाने पीने का सामान, उसके लिए तैयारी क्या है,
ये धर्म भक्ति परोपकार की तैयारी ये काम आएगा। यहाँ को रुपया पैसा जमीन मकान और सोना चांदी के गहने कोई काम नहीं, सब के यह सब यहीं रहे। यहाँ तक कहते हैं कमर की करधनी को भी लोग तोड़ लेते हैं, क्या जाएगा साथ में। लेकिन हमने जो धर्म भक्ति परोपकार सेवा का काम किया है, शुभ कर्मों का काम, वो साथ जाएगा। इल्ल सदगुरु कबीर ने कहा है यहाँ ही संबल कर ले आगे बिसी बाट, और उसके लिए समय आज ही है, कल समय नहीं रहेगा, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, कल शरीर में बीमारी हो जाए, कल शरीर में लकवा मार जाए या कुछ और हो जाए, तब क्या करेंगे। आज से और अभी से तो हर समय हम धर्म भक्ति परोपकार का सेवा सत्संग का काम तो नहीं कर सकते। हर दिन सत्संग कहाँ मिलेगा, हर दिन संत कहाँ मिलेंगे, हर दिन परोपकार का दान धर्म का काम कहाँ कर सकते हैं। लेकिन एक काम तो कर सकते हैं ना, अच्छा सोचने का काम। उसके लिए तो कोई बहाना नहीं हो सकता, साहब फुर्सत नहीं मिलती इसलिए अच्छा नहीं सोच पाया, पैसा नहीं इसलिए अच्छा नहीं सोच पाता। हर समय फुर्सत है, सोचते तो है, सोचना तो हर आदमी को है, हर समय हम सब सोचते हैं, हर समय सोचते हैं, गलत सोचते हैं। और जितना गलत सोचते हैं उतने मन हमारा बीमार होता है, उतने जीवन में दुख चिन्ह होता है, चिंता होती है, टेंशन तनाव होता है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे बढ़िया पूजा, और जो पूजा हर समय हो सकती है, हर क्षण हर जगह हो सकती है, वह पूजा है अच्छी बातें सोचना, अच्छे विचारों को सोचना। इसके समान कोई पूजा नहीं। जब अच्छे विचार सोचेंगे तो अच्छी बात जबान से निकलेगी, अच्छी कर्म जीवन से होगा, और फिर क्या होगा, जो जो समय व्यतीत होगा उतना उतना हमारा मन का जो सुख है वो बढ़ता चला जाएगा, आनंद बढ़ता चला जाएगा। हर समय आनंद, हर समय। जैसे कोई व्यापार शुरू करता है, कोई दुकान, छोटी मोटी दुकान शुरू करता है, तो कुछ पूंजी लगाता है, जैसे उसके पास पूंजी होती है। और जब पूंजी लगाया तो सोचता क्या व्यापारी, कि मुझे मुनाफा होना चाहिए। व्यापार आदमी करता है मुनाफा कमाने के लिए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही मुनाफा हो, लेकिन मुनाफा रोज होना चाहिए, तब व्यापार चलेगा, तब व्यापार से मुनाफा होगा, उससे वो अपना परिवार का भरण पोषण करेगा। लेकिन मुनाफा तो बिल्कुल ना हो, रोज घाटा हो रहा है, तो व्यापार कब तक चलेगा। वो व्यापार तो कुछ दिन में ही बैठ जाएगा, दिवालिया निकल जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन भी एक व्यापार है। इस जीवन व्यापार सफलता किसमें है, ज्यो ज्यो हमारी उम्र बढ़ती जाए, समझ बढ़ती जाए, अनुभव बढ़ता जाए, त्यों त्यों दुख घटता जाए, चिंता घटती जाए, प्रसन्नता बढ़ती जाए, शांति बढ़ती जाए, आनंद बढ़ता जाए, सुख बढ़ता जाए, शिकायत मिटती चली जाए, उलझन मिटती चली जाए, तो समझना जीवन व्यापार सफलता की ओर है, सफल हो गया। और यदि उम्र तो बढ़ गई, बड़े हो गए, जवान हो गए, पढ़ लिख लिए, और भी बड़े हो गए, शादी विवाह कर लिए, बाल बच्चे भी हो गए, और प्रसन्नता घट गई,
शांति घट गई, संतोष घट गया, आनंद घट गया, चिंता पकड़ ली, शिकायत, उलझन, तो समझना जीवन व्यापार का पूरा दिवाला निकला हुआ है। और दुनिया में अधिकतम व्यक्तियों के जीवन व्यापार का दिवाला निकला हुआ है या निकल रहा है। बिरले बिरले आदमी ऐसे होंगे जो मन से पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, शांत, कोई पीड़ा नहीं होगी। और जिसके मन में कोई पीड़ा नहीं है, कोई उलझन, कोई शिकायत नहीं है, जिसका मन शांत है, संतुष्ट है, प्रसन्न है, अच्छे विचारों में जिसका मन डूबा हुआ है, वही तो भगत है, वही पुजारी है। उसी को धार्मिक कहो, उसी को और कुछ भी कह लो। और ये हमारे करने से होगा, हमारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति बढ़िया मकान बना देगा, बढ़िया दुकान बना देगा, बढ़िया भोजन बना देगा, बढ़िया कपड़ा बना देगा, सब कुछ बढ़िया बना देगा, लेकिन हमारे मन को कि दूसरा व्यक्ति बढ़िया नहीं बना पाएगा, हमें ही बनाना पड़ेगा अपने मन को बढ़िया। और ये मन को बढ़िया बनाने का मतलब है बस बढ़िया बात सोचो, बस मन बढ़िया बन जाएगा। यही जीवन जीने की कला है, और यही कला आदमी को मालूम नहीं होती। जीवन तो सब जी रहे हैं, मैंने कहा था कि जीवन तो जानवर भी जी रहा है, लेकिन जानवर को दुख नहीं है मन का, जानवर को कोई भय नहीं है, ना भूत प्रेत का भय है, ना टोना टोटका का भय है, ना प्रेतिन का भय है, ना टोनही का भय है, और ना चुड़ैल का भय है, ना देवी देवता का भय है, और आदमी को किसका किसका भय। पदे पदे भयभीत है आदमी, और जानवरों को भूत प्रेत नहीं पकड़ता। ये तो सब आदमी इतना कमजोर है कि सारा भूत प्रेत आदमी को पकड़ लेता है। अब पता नहीं क्यों क्या, क्यों समझ की कमी, सही ज्ञान की कमी। और आदमी इतना भयभीत है तो सुखी जीवन कहाँ जी रहा है, घटित रहा है जीवन को। पूजा भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, धर्म का काम भी कर रहे हो, सत्संग भी कर रहे हो, फिर भी चिंता है मन में, फिर भी भय है मन में। जो सच्चा पुजारी होगा ना, धर्म का सही काम करने वाला होगा, सही भक्ति करने वाला होगा, वो भयभीत नहीं होगा। किस बात के लिए भयभीत होगा वो? धर्म वह है जो आदमी को अंदर से निडर और निर्भय बनाता है, भक्ति वह है जो आदमी को निर्भय बनाती है, निडर बना देती है, अंदर से मजबूत बना देती है एकदम। इसके लिए कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो काम धाम करना है काम धाम करो, करना पड़ेगा, खेती किसानी नौकरी व्यापार ये सब करना होगा, और घर गृहस्थी का जितना काम हो सब भी करना होगा, मजबूरी है क्योंकि इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। लेकिन गलत बात क्यों सोचते हो, चिंता फिक्र की बात क्यों सोचते हो, इससे क्या फ़ायदा होगा सिवा नुकसान के। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा किसी को तकलीफ ना मिले, मेरे द्वारा किसी का अपकार ना हो, किसी का नुकसान ना हो, इतना ध्यान तो रखना है, फिर निर्भय रहो, यही तो धर्म है। सदगुरु कहते हैं कि जो जानो जग जीवना, दुनिया में तुम जीने की कला जानते हो क्या? जीने की कला है
जब जीवन का अंतिम समय आए, मृत्यु का समय, तो मन शांत रहे। ये लगे कि मानव जीवन पाकर के जो मुझे करना चाहिए था मैंने कर लिया, कोई पश्चाताप मन में ना हो, समझना जीवन पाना सफल हो गया। और पश्चाताप है मन में कि ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अशांत है मन, तो समझना जीवन को गलत ढंग से जिए हो। जीवन व्यापार घाटे में जीवन जीने की कला नहीं है। बड़े बुद्धिमान हो सकते हो, बड़े नेता, बड़े अफसर, बड़े मंत्री हो सकते हो, बड़े साधु बाबा भी और गुरु बाबा भी हो सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन मन को बढ़िया बनाकर रखना, ये अलग बात है। तो पहला काम हमें करना क्या है, जीवन को जो मिला है इसको अच्छे ढंग से जीना। और आज मिला है ये जीवन, कल दोबारा ये जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है। पता नहीं पशु पक्षी खाने में चले जाएंगे तो क्या करोगे। आज सब सुविधा मिली हुई है, इसलिए आज से और अभी से सावधान हो जाना है। और एक ही काम करो, जो सोचो अच्छा सोचो, जब सोचो तब सबका भला सोचो। हर समय सोचते रहो सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये सोचने में आपका क्या बिगड़ेगा। जो आदमी दूसरे का अधिक से अधिक भला सोचता है, कल्याण सोचता है, उस आदमी का भला अपने आप हो जाता है। वही धर्म का काम कर रहा है, उसी के जीवन ऊपर उठेगा। फिर साहब कहते हैं जो जाना हो सो जीव, क्या उस जीव को भी जानते हो जो इस शरीर में है। कल मैंने कहा था हमारा शरीर दिखाई पड़ता है, लेकिन शरीर तो एक पिंजड़ा है, एक खोल है। शरीर सच नहीं है, शरीर तो झूठ है, नकली बना है और बिगड़ जाएगा, जन्मा है और मर जाएगा। किसका शरीर अमर रहा है, हमारे सामने, आपके सामने कितने कितने लोग दुनिया से चले गए, समझ लो हमारा भी नंबर आ रहा है। आजकल में इस शरीर को मिट्टी में मिलना है या आग में जल कर मुट्ठी भर राख हो जाना है, पकड़ने में कुछ नहीं आएगा। सबको की दशा ऐसी हुई है और सब दशा ऐसी होगी, इसलिए शरीर झूठा है, नकली है। इसके भीतर जो जीव बैठा है वो सच्चा है, वही असली है, असली धन। ये बाहर का जो धन है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, खेत खलिहान, मठ मकान, ये तो नकली धन है। ये व्यवहार के लिए है, सेवा के लिए है, जीवन निर्वाह, जीवन चलाने के लिए है। और ये छूटता रहता है, आज हमारे पास है कल किसी और पास चला जाएगा। असली धन भीतर, आत्मा धन कहा गया, आत्म धन दे ठौर है बचन कबीर उपदेश। कबीर साहब ने जो उपदेश दिया है, इस शरीर के भीतर हृदय में जो बैठा हुआ आत्मा है, उस आत्मा धन का परिचय दिया है। उसी को रामधन भी कहा जाता है। मीराबाई जी का भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रतन धन, असली धन, इसे कोई छीन नहीं सकता, कोई बंटवारा ले नहीं सकता,
न पानी में भींगेगा न आग में जलेगा। उस राम रतन धन का ज्ञान न होने कारण से हर आदमी भीतर से कंगाल बना हुआ है, दरिद्र बना हुआ है। जो दरिद्र है वो भी दरिद्र है, और जो अरबपति खरबपति वो भी दरिद्र ही है। असली धनी तो वह है जिसे राम धन मिल गया है, जो राम धन को समझता है। अब वो राम धन बाहर कहीं नहीं है, सबके हृदय में है, सबके हृदय में बैठा हुआ है आत्मा धन। उसे को आत्मधन कहो, राम धन कहो, जीव धन कहो, कुछ भी कह लो, वो सबके हृदय में है, सबका अपना अपना है वो। लेकिन अपना होते हुए भी आदमी को उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए तो आदमी दर्द बना हुआ है, कंगाल। और जिसे रामधन मिल जाता है, रामधन का ज्ञान जिसे हो जाता है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। ओम महाधनवान हो जाता है। साहब कहते हैं उस रामधन को, जीव धन को जानो, जो जानो तो जीव समझो कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो आज शरीर है, आज कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बूढ़ा है, कोई बालक है, लेकिन सबके शरीर के अंदर जो जीव बैठा हुआ है वो जीव स्त्री पुरुष नहीं है, वो काला गोरा नहीं है, मोटा ठिगना नहीं है, दुबला पतला नहीं है, वो बूढ़ा बालक नहीं है, वो तो एक समान है, सब कसम एक समान है। वो घटता बढ़ता नहीं है, जन्मता मरता भी नहीं, घटता बढ़ता भी नहीं है। शरीर घटता बढ़ता है, शरीर जन्मता मरता है, लेकिन साहब कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा राम हो, जीव हो, तुम राम हो। उसको समझ लो, उसको जो समझ लेगा ना वो निडर हो जाएगा। इसीलिए भक्ति सेवा सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग से क्या मिलेगा? अब हमारा जो असली धन है, राम धन, आत्म धन, उसका ज्ञान मिलेगा, उसको सुरक्षित रखने का उपाय मिलेगा, युक्ति मिलेगी, और उसका कल्याण करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। सत्संग से क्या मिलेगा? जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, बड़े बड़े व्यापारी सेठ गोदाम में दुकान में जो नहीं मिलता, सत्संग से वो मिलेगा, भक्ति से वह धन मिलेगा। साहब कहते हैं जो जानो तो जीव समझो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव हो, आत्मा हो। इस शरीर में जब तक जीव है ना, तब तक तो शरीर की कीमत है। शरीर में जीव है तब तक माता माता है, पिता पिता है, पत्नी पत्नी है, पति पति है, बेटा बेटा है, और गुरु गुरु है, चेला चेला है, और जीव निकल जाए तब कोई नहीं कहेगा भैया माता लेटी है कि पिता लेटे हैं कि पत्नी लेटी है कि पति लेटा है बेटा लेटा है, कह भैया मिट्टी पड़ी है जल्दी से इसकी व्यवस्था करो। अरे शरीर तो वही है, आँख नाक कान हाथ पैर पेट पीठ सब तो वही है, अब क्यों कह रहे हो कि मिट्टी पड़ी हुई है? उसी शरीर को बड़े छाती से प्रेम से लगाते थे, अभी भी तो है ना, अभी उसको छाती से क्यों नहीं लगाते, उसको पुचकारते क्यों नहीं, चुमते चाटते क्यों नहीं हो? यदि शरीर माता है तो शरीर तभी पड़ा हुआ है, शरीर पत्नी है तो शरीर तभी अभी पड़ा हुआ है, शरीर पता है तो शरीर तभी पड़ा हुआ है, शरीर गुरु है तो गुरु तो अभी शरीर तो पड़ा हुआ है। सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, नहला धुलाओ उसको, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो राम धन है वो निकल गया, जो आत्मधन है वो निकल गया, तो सारे रिश्ते नाते किसके लिए है? वो जीव के रहते तक, उस राम के रहते तक, और उसी का ही पता नहीं, उसके लिए हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, हाय 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 करते करते मर जाते हैं।
वो हाय हाय क्यों बंद नहीं होता? क्योंकि असली धन का पता नहीं है। बाहर का धन कितना भी बढ़ जाए, हाय हाय नहीं मिटेगा। इसलिए अपना असली धन है राम धन, उस राम धन का ज्ञान करना होगा। तो मन अच्छे विचारों में डूबा हुआ है और अपने राम धन का, आत्मधन का ज्ञान हो गया है, तो अब आगे क्या करना है? पानी पचावो अपना, पानी मांगी न पियो। जितना पानी पी चुके हो उतना पानी को पचा डालो और फिर से पानी मांग करके मत पियो। तो आज से पानी पीना बंद कर दें, ये पानी की बात नहीं कहते हैं साहब। जो हम रोज पीते हैं वो जो पानी है भीतर का पानी, और वो कौन सा पानी है? पानी मतलब है संस्कार। अब तक जितने जीवन में गलत कर्म करके गलत संस्कार बनाए हो, वासना बना चुके हो, उसको ज्ञान से, विवेक से, विचार से, संयम से, सेवा भक्ति से पचा डालो। भूल हो गई, हो गई, भूल तो सबसे होती है। कौन कहता है कि मुझसे भूल नहीं हुई है? ताकि तुमसे भूल हो गई, तुम नहीं समझ पाए थे, लोभ मोह में पड़ गए, नासमझी में पड़ गए, इसलिए तुमने गलत काम कर लिया। कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, अब उसको बदलना है। अब जीवन को इतनी सावधानी से जियो, कोई भी कर्म इतनी सावधानी से करो कि तुम्हारे संस्कार गलत ना हो। हथेली पर रख करके या किसी बर्तन पर रख कर कपूर जलाते हैं, कपूर जल करके समाप्त हो जाता है, पूरा पूरा जल गया कपूर, लेकिन उस बर्तन सुगत तो उसके कपूर की गंध भी वहां पर बाकी। और कई बार तो थोड़ा बहुत अगर मांगो तो भी जल्दी नहीं जाता है, कपूर की कपूर जला लेकिन कपूर की गंध बर्तन में रह गई। ऐसे ही जब हम कोई काम करते हैं तो कितने देर करेंगे कोई काम? 2 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, जब कुछ और किसी से हम बात करते हैं तो कुछ मिनट बात करते हैं तो खत्म। लेकिन उसकी गंध रह जाती है भीतर, वही संस्कार है। कपूर जल गया, उसकी जो गंध रह गई बर्तन में वो संस्कार वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे बर्तन सामने आएगा कपूर की गंध सामने आ जाएगी। ऐसे ही जो हम कर्म करते हैं ना, कर्म तो समाप्त तो हो जाता है, उसकी छाप बन जाती है हमारे अंतःकरण में। उसी छाप को हम वासना कहते हैं, संस्कार कहते हैं। संतारिक राग रंग के प्रति है तो वासना है, रुपये पैसे जमीन जायदाद के लिए या कुछ काम के लिए है तो पाप पुण्य के लिए तो संस्कार है। नाम अलग अलग की चीज वही है। साहब कहते हैं तुमने गलत संस्कार बना लिया, लोगों में पढ़कर, अहंकार में पढ़कर, द्वेष में पढ़कर, कोई बात नहीं भूल हो गई। अब वो गलत संस्कार जो है उसको बर्तन से कपूर है जला कर जला दिए, कपूर गंध तो इतना लगा करके साफ करो बर्तन को कि गंध खत्म हो जाए। ऐसे ही अब जीवन को इतनी सावधानी से जियो, इतना सोच समझ करके काम करो कि पहले के गलत कर्म संस्कार बदले चले जाए और अच्छे संस्कार बनते चले जाए। और हर आदमी क्या करता है, पीछे आपने क्या किया, पीछे हमने क्या किया, उसकी चिंता मत करो। जो भूल हो गई होगी वो तो बीत गया, होता है,
बीते हुए जीवन को, बीते हुए समय को हम लौटा कर ला नहीं और उसे उसे सुधार भी नहीं सकते। लेकिन आज और आगे का जो जीवन है एकदम सुधार सकते हैं पूरा का पूरा, इसमें इतनी सावधानी से जी सकते हैं कि एक भी गलत काम नहीं हो। और गलत काम नहीं होगा तो गलत संस्कार नहीं पड़ेंगे, गलत संस्कार नहीं होगा तो आगे दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, भटकना नहीं होगा। यही है पानी मांग करके ना पीना। जो पानी पी चुके हैं संसार बना लिए, ठीक है वो बन गए संसार, लेकिन हाथों सावधानी पूर्वक जी सकते हैं ना। हर आदमी पूरा कुर्बान, हर आदमी में पूरा का पूरा बल है। अब आदमी अपने को पूरा का पूरा चेंज कर सकता, परिवर्तित कर सकता, जानवर नहीं कर सकता, जैसा उसका वैसा है। किसी भी कुत्ते को अपन घाव बुझा करके शाकाहारी नहीं बना सकते। किसी शेर को कहो कि मांस खाना बहुत गलाता है, तुम हिंसा करते हो, ये करते हो, तो क्या वो मांस खाना छोड़ देगा? किसी जान और किसी गाय सामने लाकर कहो देखो ये अंडा कितना बहुत कितना विटामिन प्रोटीन है, खूब खाओ, तो क्या गाय अंडा खाएगी? तो जैसा तैसा है, तो जानवर नहीं बदल सकता, आदमी बदल सकता है, अब बदलता ही। तो जितना जीवन बीत गया है वो तो बीत गया, उसकी चिंता मत कर। आज से सुधार शुरू कर दो और आगे जितना भी जीवन जीना है सोच समझ करके सावधानी पूर्वक काम करो और अच्छी बातों में मन लगा करके रखो, पूरा का पूरा जीवन आगे जानवर का काम हम कर सकते हैं। तो साहब कहते हैं कि जो जानो को जीवना, जो जानो को जीव, जो जानो तक जीवना, जो जानो को जीव, पानी पचाओ अपना पानी मांगना जीव। अरे संसार में जीने की कला जानते हो तो वह कला यह है कि जो जो तुम्हारी उम्र बढ़ती जाए, समय बढ़ता जाए, बुद्धि बढ़ती जाए, अनुभव बढ़ता जाए, क्यों तो तुम्हारे मन का दुख घटता जाए, पीड़ा घटती जाए, तनाव घटता जाए, सुख बढ़ता जाए, आनंद बढ़ता जाए, सरलता बढ़ती चली जाए और ये शरीर आकर में मर जाने वाला है। शरीर मरने के पहले जिसके कारण शरीर जीवित है उस आत्मा राम का ज्ञान प्राप्त कर, वो तुम्हारा असली धन होगा। और बाहर के लिए ऐसे कर्म करो कि गलत कर्म संस्कार मिल करके अच्छे कर्म संस्कार बन जाए। दो धन है हमारा, बाहर सद्गुण धन, शुभ कर्मों का संस्कार हमारा धन, और भीतर हमारा आत्मा धन, जिसे आत्मा का ज्ञान है, जिसके बाद सदोषाचार का रूपी संस्कार का स्थान है, मन निर्मल है, वो आज सुखी आगे सुखी, वो उसका आदि कल्याण है, आदि भी कल्याण ही है। यही काम हम लोगों को आप सबको मिलजुल करके भक्ति द्वारा करते रहना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद रखने वाली को। Thank you.